भीतर फलों पे लगे होते हैं, इसका पहले एक नाम था कि आप एक पतली पॉलीथीन को कवर करते हुए फलों पे लगा सकते हैं। लोग उसमें प्रोडक्ट लेबलिंग करते थे, जैसे मान लीजिए किसी का जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है, उस पर लिखते थे कि ये ऑर्गेनिक है, या फिर कोई क्वालिटी उनको दिखानी होती थी। अभी उसको मार्केट में चमकीला और ज्यादा प्राइस का दिखाने के लिए डायरेक्ट फलों पे लोगों ने उसको चिपकाना शुरू कर दिया। जांच में ये पाया गया है कि इसकी जो ग्लू है वो बहुत हानिकारक है, वो छींच के फल के अंदर तक गुदे तक चली जाती है। कई बार ऐसे केसेस भी पाए गए हैं कि जो बच्चे हैं वो सेब है या इस टाइप के जो भी फ्रूट्स होते हैं उनको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनके अंदर भी चला जाता है, और जो रसायन है ये भी खतरनाक है, तो अंदर जा रहा है। बाजारों में बिकने वाले स्टीकर लगे फलों पर खाद्य विभाग ने कसा है शिकंजा। खाद्य विभाग की माने तो इन फलों पर जो स्टीकर लगाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदेह है। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली से जारी निर्देश हुए हैं और जिसके बाद जिले में इन स्टीकर लगे फलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, और लोगों से भी अपील की गई है कि वो स्टीकर लगे फलों को ना खरीदें। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।